नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। देश में तापमान जो है वो लगातार नीचे गिर रहा है, ठंड बढ़ रही है, लेकिन सियासी तापमान आसमान तक पहुंच चुका है। संसद के भीतर शुरू हुई सियासी लड़ाई अब खुलकर सड़क तक आ गई है। एक तरफ विपक्ष ने सांसदों के निलंबन पर बड़ा मोर्चा खोल दिया है और विरोध वाला मार्च भी हुआ, सरकार को तानाशाह करार कर दिया गया, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरे दल बल के साथ मैदान में उतर आई और देश भर में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के मुद्दे पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर डाला। उधर संसद में हंगामा इतना जोरदार था कि लोकसभा को तय समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ गया। लेकिन इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों का सामना करने की बजाय विपासना के लिए निकल पड़े हैं, तो सियासत का एक नया मोर्चा खुल गया है। बीजेपी ने कहा कि जेल के भीतर भी सारे आसन करने की व्यवस्था है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि ईडी का सम्मान नहीं बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी वालों का सम्मान है। तो आज इन्हीं तमाम बड़े राजनीतिक मुद्दों पर, पॉलिटिकल मुद्दों पर होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। रण है जोरदार, सियासी आर पार। राहुल गांधी माफी मांगो, सांसदों का सस्पेंशन। ये प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है। केजरीवाल को ईडी का समन्स। 2 नवंबर को भागे थे, आज भी भाग गए। कुशासना और विपासना साथ साथ कभी नहीं चल सकता है। उपराष्ट्रपति का अपमान। जिस तरह की हरकत उन्होंने 2 दिन पहले की, पिछले कल की, सर मुझे लगता है वो कुकृत्य देश को शर्मसार करने वाला है। इन 3 मुद्दों पर सियासी तापमान आसमान छू रहा है। प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन वाली ये 2 तस्वीरें देखिए। सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्ष ने मार्च किया और सरकार को घेरा। ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान का अपमान है, और जिस तरह से 140 एमपीओं को निकाला है, ये गलत लग रहा है कि इस देश में इमरजेंसी है। आपकी नीयत है सिर्फ संसद को डिस्टर्ब करना, आपकी नीयत है संसद ना चले, तो ये कार्रवाई होनी चाहिए और हम इस कार्रवाई से बहुत खुश हैं। उधर बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के अपमान का मुद्दा उठाकर देश भर में प्रदर्शन किया। माननीय राज्यसभा सभापति का संसद परिसर में मजाक उड़ाने का वीडियो वायरल होना भी अनुचित व अशोभनीय है। इस बीच ईडी के सामने पेश होने के बजाय अरविंद केजरीवाल विपक्षना के लिए निकल गए, तो इस पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जबानी तलवारें खिंच गई। कुशासन करके विपासना करने जा रहे हैं, कुशासना एंड विपासना, चिंता मत करिए केजरीवाल जी, जेल में इन सारे आसनों की व्यवस्था है, विपासना जेल में भी कराया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने टीवी पे ये कहना शुरू किया कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, वैसे ही ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को समन भेज दिया। ये ईडी का समन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का समन है। तो सवाल है कि क्या इन तमाम मुद्दों के बहाने 2024 की जमीन तैयार करने का खेल शुरू हो गया है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। रण जोरदार, सियासी आर पार। तो रण जोरदार और सियासी आर पार, और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं विश्लेषण पर, मैजिक बॉल पर, सियासी पिच पर हिट विकेट होते विपक्ष का विश्लेषण। मुद्दा सांसदों का निलंबन, सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने खोला बड़ा मोर्चा, नतीजा उपराष्ट्रपति के उपहास से उल्टा पड़ गया दाव, पूरा का पूरा दाव उल्टा पड़ गया। जहां बीजेपी को बैकफुट पे जाना चाहिए था, वहां विपक्ष बैकफुट पे हो गया। जिस तरह का मजाक उड़ाया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का, वो महंगा पड़ रहा है, महंगा साबित हो रहा है। जातियों की राजनीति,
जातियों की को साधने के लिए जातीय जनगणना का दांव चला गया। उपराष्ट्रपति के अपमान पर जाट समुदाय गुस्से में है, प्रदर्शन कर रहा है, बयान लगातार आ रहे हैं। इंडिया को यानी इंडिया अलायंस को मजबूत करना, कांग्रेस की करारी हार के बाद दिल्ली में चौथी बैठक हुई। लालू नीतीश और येचुरी सीताराम येचुरी के नाराज होने की खबर आई। बर्ताव में आगे यूपी में टक्कर देने की तैयारी, मायावती को इंडिया अलायंस में शामिल करने की चर्चा शुरू हुई। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों मायावती के नाम पर नाराज हो गए, भड़क गए।